नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कहकर गए हैं, उसके बाद से हमने देखा है कि रिया चक्रवर्ती की परेशानी दिन पर दिन लगातार बढ़ती ही गई थी। जी हां, आपको बता दें कि यहां तक कि रिया चक्रवर्ती को जेल में भी जाना पड़ा, हालांकि उनको ड्रग्स केस की वजह से जेल में जाना पड़ा था। अब ऐसे में दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और उनको अब घर में रहने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच रिया चक्रवर्ती के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और वो खबर ये है कि रिया चक्रवर्ती की फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। जी हाँ, आप सभी को मैं बताता हूँ कि आखिर वो फिल्म है कौन सी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि रिया चक्रवर्ती की फिल्म में कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी भी काम करते हुए नजर आने वाले हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। बता दें कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण फिल्म फेस को रोक दिया गया था, लेकिन अब बहुत विवाद के बाद फिल्म में रिया चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और क्रिस्टल डिसूजा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म पिछले साल 24 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐसे में ये माना जा रहा था कि इस साल यानी कि 2021 में फिल्म अप्रैल के महीने में रिलीज हो सकती है। फिल्म का निर्माण आनंद पंडित और सरस्वती एंटरटेनमेंट ने किया है, वहीं फिल्म का निर्देशन रूमी जाफरी ने किया है। पर्दे पर रिया चक्रवर्ती का दिखना फिल्म के लिए बेहतर साबित होगा या फिर उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लोगों के मन में अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आरोपी के रूप में रिया चक्रवर्ती की उपस्थिति उनकी छवि के लिए एक बड़ा झटका है। लोगों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जमकर ट्वीट भी। अब ऐसे में हो सकता है कि लोग रिया चक्रवर्ती के टैलेंट को, उनकी काबिलियत को देखने के लिए थिएटर में जा सकते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स पर अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो हो सकता है कि लोग ऑनलाइन इस फिल्म को देखना पसंद करें, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इसमें नज़र आने वाली हैं। लेकिन वहीं एक पहलू इसका यह भी है कि रिया चक्रवर्ती जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में इनका नाम उछला है, लोग इनको ड्रग्स की एडिक्टेड भी मानने लग गए हैं। ऐसे में लगता है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर लोग गुस्सा भी दिखा सकते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि रूमी जाफरी जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका पैसा भी पूरी तरह से डूब जाए, और सिर्फ रिया चक्रवर्ती की वजह से। और अगर ऐसा होता है, इस फिल्म को अगर बुरा रिस्पॉन्स मिलता है, तो रिया चक्रवर्ती का करियर यहीं पर ही बॉलीवुड में खत्म हो जाएगा, और अगर इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो रिया चक्रवर्ती का करियर एक बार फिर से बुलंदियों को छू सकता है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती का दोस्तों अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, और ये सब कुछ टोटली लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि लोग इस पर किस तरह से रिएक्शन देते हैं। लोग हो सकता है कि इस फिल्म को पसंद करें और रिया चक्रवर्ती के काबिलियत को, उनकी एक्टिंग को देखने के लिए थिएटर में जाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को कोई देखना भी पसंद ना करे। खैर, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या रिया चक्रवर्ती की इस फिल्म को आप थिएटर में देखने के लिए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिस तरह से रिया का दोस्तों झंझट सामने आया, उसके बाद से रिया की परेशानी लगातार बढ़ती गई, और साल 2020 शायद रिया चक्रवर्ती के लिए सबसे ज़्यादा बुरा रहा। अब 2021 में ये जो फिल्म रिलीज हो रही है, इससे पता चलेगा कि रिया चक्रवर्ती का साल 2021 किस तरह का रहने वाला है। तो यही था इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही इसे और लोगों के साथ शेयर करना, ताकि हर किसी को पता चल सके कि रिया चक्रवर्ती की फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। साथ ही आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।